नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीरियल न्यूज़ चैनल में। एक ऐसा न्यूज़ चैनल जिस पर मिलती है आपको हर वो जानकारी, हर वो खबर जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और ऐसी खबर लेकर, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि अगर आप बैंक जाते हैं तो हमें कभी ना कभी आपने चेक का यूज़ ज़रूर किया होगा, डिमांड ड्राफ्ट का भी आपने यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि चेक या डिमांड ड्राफ्ट में से कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, दोनों के इस्तेमाल में क्या है अंतर। तो ये इन दोनों सर्विसेज में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा सही है, और दोनों की सर्विसेज में, वैसे तो दोनों ही सही है लेकिन कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा बेहतर है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये है वीडियो चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट। इससे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बी रियल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलती रहे आपको हर वो जानकारी, हर वो इन्फॉर्मेशन जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस खबर में कि चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट में से कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, दोनों को इस्तेमाल में क्या है अंतर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं बाद में, तो आप पहले ही लाइक कर दीजिए। आज के दौर में कैशलेस ट्रांजैक्शन आम बात हो चली है, इसके लिए मोबाइल वॉलेट, पेमेंट ऐप्स, चेक, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरियों में एक नाम डिमांड ड्राफ्ट DD भी है। चेक का इस्तेमाल तो बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, लेकिन DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट का आज भी कम इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग चेक और DD के इस्तेमाल में अंतर से भी वाकिफ नहीं होते हैं और दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के इस्तेमाल भी किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए होता है। किसी भी बैंक से इसे बनवाया जा सकता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि DD बनवाने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। जिस इंसान या कंपनी के नाम पर DD बनवाया जाता है, इसका पैसा सीधे उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। DD बनवाने वाला या तो कैश देकर इसे बनवा सकता है, या फिर अपने अकाउंट की मौजूदगी वाले बैंक से बनवाने पर अपने अकाउंट से पैसा कटवा सकता है। DD का अमाउंट बैंक अकाउंट से इन कैश कराने के लिए जिसके नाम पर DD पेबल है, उसे DD बनवाए जाने का कारण यानी किस काम के लिए अमाउंट DD से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स बैंक में दिखाने होते हैं, तभी DD इन कैश करा सकता है। चेक और DD में प्रमुख अंतर क्या है, बता दें आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है चेक और डिमांड ड्राफ्ट में। तो चेक और DD में सबसे बड़ा अंतर ये है कि DD केवल अकाउंट में ही पे होता है, जिसके नाम पर ये ऑर्डर है वो इसे अपने अकाउंट में इन कैश कर सकता है। वहीं चेक अकाउंट में जमा भी कराया जा सकता है और बिना जमा कराए बेयरर द्वारा इन कैश भी कराया जा सकता है। अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट ना होने की स्थिति में चेक बाउंस हो जाता है, लेकिन DD कभी बाउंस नहीं होता, क्योंकि इसके लिए DD बनवाने वाला व्यक्ति पहले ही पेमेंट कर चुका होता है। चेक की सुविधा केवल संबंधित बैंक में अकाउंट खोलने वाले को ही होती है, लेकिन DD बनवाने के लिए बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर कभी चेक खो जाता है और ये अकाउंट कोई पे नहीं है तो उसका गलत इस्तेमाल होने के चांस होते हैं। कोई भी व्यक्ति बियरर बनकर इसे इन कैश करा सकता है, लेकिन DD के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा केवल बैंक अकाउंट में ही पेमेंट होता है, इसलिए इसके खो जाने पर इसे इन कैश नहीं कराया जा सकता। खो जाने की स्थिति में इसे कैंसिल कराया जा सकता है, इसके चलते ये चेक से ज़्यादा सिक्योर है। कई बार स्टैंडर्ड चेक से फ़ंड ट्रांसफ़र में कई दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन DD के अमाउंट को टारगेटेड अकाउंट में पहुंचने में एक कामकाजी दिन का ही वक्त लगता है। DD पर बायर का नाम होना ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ने एक नया नियम निकाला है जिसके तहत DD पर बायर का नाम प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम 15 सितंबर 2018 से प्रभावी हुआ है। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिशों को असंभव बनाना है। DD इन कामों में बड़े काम का है। कौन से ऐसे काम है जिसमें डिमांड ड्राफ्ट बहुत ही काम का होता है, तो बैंक DD बड़े और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक अच्छा ज़रिया है। ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कई जॉब्स के लिए फ़ीस ट्रांसफ़र के जरिए के तौर पर DD का ही इस्तेमाल होता है। DD को रुपए के अलावा ज़रूरत पड़ने पर दुनिया की किसी भी करेंसी से बनवाया जा सकता है, किसी भी करेंसी में बनवाया जा सकता है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बेहतरीन खबर है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं। देखिए, एक तो ये जनरल नॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है,
मैंने ये नहीं कहा कि आपको DD की ज़रूरत है या डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत है तभी आपके लिए वीडियो ज़रूरी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ जाए ज़िंदगी में। और ज्ञान तो ऐसी चीज़ होती है ना जो कभी बेकार नहीं जाता। तो आपको ये ज्ञान मिल रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस ज्ञान को और लोगों तक बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। तो वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, अपने ग्रुप में सभी लोगों तक इस जानकारी को, इस ज्ञान को पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं इतनी मुश्किल से, तो इतनी मेहनत से लेकर आते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो लाइक कर दीजिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी वीडियो के बारे में या अन्य किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा जानकर कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बी रियल न्यूज़ चैनल पर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।